वेलकम टू अनिकास ब्यूटीफुल हिमाचल। तो दोस्तों, हम अंद्रेटा सीरीज में जिस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, तो आज हम इंडिया की ओल्डेस्ट स्टूडियो पॉटरी में आए हैं और हमारे साथ इस वक्त शुभम है जो यहाँ पे चीज़ें करवाते हैं, पॉटरी करवाते हैं और बिल्कुल एक तरीके से आर्ट अपने हाथ में खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। सो वेलकम शुभम अनिकास ब्यूटीफुल हिमाचल में। शुभम, आप हमें बताइए कि ये कब शुरू हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं और कितने साल हो गए इसको? जी, यहाँ की शुरुआत हुई थी ना 1983 में। तब एक कपल था जिनका नाम था मनसिमरन सिंह और उनकी वाइफ मैरीस हैं, वो यहाँ पे आए और उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी और सोचा कि कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, कुछ स्पेशल किया जा सकता है। उनकी बैकग्राउंड पॉटरी में थी, स्टूडियो पॉटरी में थी, तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं शुरुआत यहाँ पे। और यहाँ की ना क्ले बहुत स्पेशल है। अच्छा। जो यहाँ की नेचुरल क्ले है क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो वो एक बेसिक रह गया कि नहीं यहाँ पे पॉसिबल है, किया जा सकता है। शुभम, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसका टूर करवाएं, क्या प्रोसेस रहता है और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। सो काफ़ी सारा चीज अभी सिर्फ वर्बल रहेगा, प्रोसेस बहुत लंबा है। ओके ओके। इट टेक्स अबाउट 1 to 2 weeks for the full process to happen, provided everything works out, weather conditions are okay, and everything works out fine, provided the clay was already ready, then it's 1 to 2 weeks, otherwise it's 3 to 4 weeks. Okay. यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि क्ले भी यहीं की प्रोड्यूस होती है, सो जो यहाँ की मिट्टी है उसको छाना जाता है पहले अच्छे से। ये जो टैंक है, नॉर्मल सीमेंट टैंक है, उसके अंदर मिट्टी रखते हैं, पानी रखते हैं, and we let it soak for around 3 to 4 days. होता क्या है, धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे फ़ायदा क्या, ये सब कर क्यों रहे हैं, ताकि हम उसको छान सकें। छानने से जो बड़े पत्थर हैं, ट्विग्स हैं, स्टोन्स हैं, ये सब चीज़ें निकल जाती हैं और एक बहुत फाइन क्ले बचती है। उस फाइन क्ले को फिर शैलोअर टैंक जो पीछे आपको उसमें दिख रहा है, जो खाली है वहाँ पर उस पर So, इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, यहाँ पे हम किस तरीके की चीज़ें करते हैं? जैसे मैंने बताया कि क्ले सूखती है, धीरे धीरे सूखने के बाद वो ऐसी कंसिस्टेंसी में पहुँच जाती है जिसको आराम से दीवार पे लगाया जा सकता है। ओके, कैन आई टच दिस? ओके, बेटर पता तब चलता है जब फेस लगा उसके साथ। अच्छा, फेस लाइक हाँ सच में। ओके, अरे आप मजाक कर रहे हैं। ओके, सो सिंपल है, इसमें सीमेंट वॉल है, जैसे गोबर के उपले सूखते हैं, सेम प्रिंसिपल है। और आई थिंक ये मास्टर टेक्निक है कि ड्राई करने के लिए, किसी भी चीज ड्राई करने के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी यूज नहीं होती है। और बेस्ट है, नॉर्मली लोग पीओपी स्लैब्स यूज करते हैं जिसके ऊपर क्ले को सुखाया जाता है, बट दिस टेक्निक वर्क्स आउट फाइन। ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो भी वाटर सोक करती है वो नीचे आ जाता है, वॉल बिकम्स रेडी अगेन फॉर द नेक्स्ट क्ले टू बी देयर। एंड जैसे वो सैचुरेट हो जाती है तो ओवर ड्राई भी नहीं होती, बिकॉज ये पील हो जाओ। सो क्ले होने के बाद फिर इनको व्हील्स कहते हैं, व्हील्स, तो इनके ऊपर फिर बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी पॉटर को वर्क करते हुए, इनको किक व्हील कहते हैं। सो यहाँ पे बैठते हैं, इसको स्पिन करते हैं और उसके बाद फिर इससे पॉट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको ड्राई किया जाता है, एक लेदर हार्ड स्टेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेट्स आज मैंने बनाई है, तो ये परसों तक लेदर हार्ड स्टेज पे पहुंचेंगी। लेदर हार्ड स्टेज का मतलब रहता है कि ये ना तो कम्प्लीटली वेट है ना तो कम्प्लीटली ड्राई है। लाइक फॉर एग्जांपल ये इस लेदर हार्ड स्टेज पे है अभी भी ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये कितना वक्त लेता है? ये मैंने परसों बनाया था।
अच्छा तो आज ये लेदर हार्ट स्टेज पे पहुंच गया उसके बाद आई कुड अटैच सम हैंडल्स एंड इफ आई वांटेड टू डू सम डिजाइनिंग वर्क वो लेदर हार्ट स्टेज पे रहता है एंड ऑफ कोर्स ये वेदर पे भी डिपेंड करता है ये चीज मानसून पे ओके लाइक फॉर एग्जांपल उसके बाद फिर इन पे डिजाइनिंग वर्क रहता है सो डिजाइन अगेन ये एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्लिप डिजाइनिंग सिर्फ बोन ड्राई है बोन ड्राई का मतलब ये सिर्फ सूखे है मॉइस्चर निकला है क्ले ही है अभी भी और उसके ऊपर जब वो डिजाइनिंग सो हर एक डिजाइन वर्क हाथ से होता है नो स्टेंसिल्स नो मशीन्स नथिंग फिर उसके बाद फिर वो वहां से देख रहे हो फ्रॉम हां ऑब्वियसली यहां से क्ले उस टैंक से लेके सूखने के बाद बनने के बाद लेदर हार्ट स्टेज पहुंचने के बाद ड्राई होने पे इस तरह का दिखता है सी द कलर लाइट ब्राउन सो उस कलर से बिल्कुल फ्रेजाइल है ध्यान से इस स्टेज पे अगर वो ब्रेक करता है देयर इज नो वे टू फिक्स इट ओके उसके बाद फिर ये इसके अंदर अभी चल रही है सो इसको फर्स्ट फायरिंग कहते हैं फर्स्ट फायरिंग सो इसको बिस्क फायरिंग कहते हैं अभी जिसके अंदर चल रहा है सो ये ऑटोमेटेड किल्स हैं और इसमें जैसे वहाँ पे कंट्रोलर चल रहा है वो कंट्रोलर उसे बता रहा है कि कब ऑन होना है कब ऑन होना है कब ऑफ होना है सो वो पता चलता है किल को इसमें और उसके बाद फिर इसके अंदर अभी हो रही है ये सी दैट मंडलू जिसको हम कहते हैं ये बनाते हैं उस टाइम पे जब दिवाली होती है पूजा करते हैं और ये इसमें खुद किया जाता है बिल्कुल और ऐसे बिल्कुल रंगोलियाँ भी बनती हैं जिस तरीके से कांगड़ी घरों में मंडियाली घरों में बिल्कुल बनती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के एक अलग अलग एक अलग पैटर्न है रंगोलियों का तो उस तरीके से भी जैसे शुरू ने कहा कि हम उस पैटर्न को भी फॉलो करते हैं और कल्चर भी प्रिजर्व कर रहे हैं एक तरीके से कुछ आप जैसे आपने कहा कि बाहर से भी लोग आते हैं तो वो भी कुछ चीज़ें सिखाते होंगे आपको या आप बताते होंगे कि हमारे वहाँ पे ये चीज़ें की जाती हैं ऐसा होता है like, for example, workshops रहती है for example, ये जैसे couple है ये एक गोवा से आर्टिस्ट है वो यहाँ पे आई थी फिर हमने वर्कशॉप अरेंज किया था उसमें और भी लोग आए थे उनसे सीखने के लिए सो दिस बिकेम अ वेन्यू प्लेस फॉर देम एंड देन आफ्टर दैट ये सारी वर्कशॉप्स हैं जो बाहर से पॉटर्स आते हैं कुछ आते हैं उनका भी एक म्यूचुअल एक्सचेंज रहता है टेक्निक्स का प्रोसेसेस का अगर आप हिमाचल आते हैं और धर्मशाला पालमपुर कांगड़ा आते हैं तो अंद्रेटा ज़रूर आइए और शुभम से बिल्कुल मुलाकात करिए ये आपको बिल्कुल बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आप आसपास मेरे देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और हर जगह आर्ट नज़र आ रहा है और आर्टिस्ट हैं यहाँ पे हमारे साथ सो अंद्रेटा पॉटरी आइए अगर आपको पॉटरी का इंटरेस्ट है स्टूडियो पॉटरी सो आप यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं और सीख सकते हैं कोर्सेज भी रहते हैं इनके वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें बताऊंगी विजिटर्स के लिए बेस्ट पार्ट ये रहती है कि वो कभी भी आ सकते हैं वी आर ओपन एवरी डे फ्रॉम 10 टू 5 कभी भी कर सकते हैं देयर इज नो बुकिंग और एनीथिंग उसके बाद फिर आके आप देख सकते हैं बिकॉज़ इट्स अ वर्किंग स्टूडियो सो आप देख सकते हैं लोग कैसे काम करते हैं यहाँ पे कैसे बनाते हैं डिफरेंट डेज पे डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं सो आप वो एक तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं सो आप लोग हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं अंद्रेटा विजिट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच शुभम आपने इतनी सारी नॉलेज दी हमें थैंक यू सो मच